नमस्कार, यूपी मागे उत्तर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के चुनावी प्लान में यूपी मॉडल को मिली प्राथमिकता की। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने यूपी मॉडल के जरिए जनता के बीच जाने की रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी चुनावी सभाएं करेंगे। मगर सवाल इस बात का है कि क्या वास्तव में यूपी मॉडल देश का मॉडल स्टेट बन गया है? क्या यूपी ऐसा राज्य बन गया जिससे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों को सीख लेनी चाहिए? और सवाल इस बात का भी है कि बीजेपी यूपी का कौन सा मॉडल चुनावी राज्यों में पेश करना चाहती है जिससे जीत हासिल हो सके? और सवाल यह भी है कि क्या यूपी में अपराध कम हो गया? क्या यूपी में बेरोजगारी खत्म हो गई? क्या यूपी में रामराज्य आ गया? और सवाल कई हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के यूपी मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पीछे क्या हिंदुत्व के एजेंडे के सहारे चुनाव में उतरना है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी मॉडल को आगे रखने का प्लान बनाया है, यानी योगी सरकार का कामकाज चुनावी राज्यों में बताया जाएगा और उसके जरिए वोट हासिल करने की कवायद की जाएगी। सीएम योगी स्टार प्रचारक के तौर पर जनसभाएं भी करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रचार करेंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे समेत कई और नेता भी प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जाएंगे। यूपी मॉडल के सहारे प्रचार करने की कोशिश की रणनीति कितनी कामयाब होगी इसका अंदाजा तो अभी किसी को नहीं, लेकिन विपक्ष को हमलावर होने का एक और मौका जरूर मिल गया है। मुझे लगता है योगी जी पहले उत्तर प्रदेश को ही संभाल लें। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त हो गई है, दिन दहाड़े ठोक दिया जा रहा है निर्दोष लोगों को, और जो लूटपाट की हत्याएं बढ़ रही हैं और जितना प्रदर्शन हो रहा है यहाँ रोज, उसको संभालने वही बहुत बड़ी बात है। अपना घर संभाला नहीं जाता, दूसरे घर में चलें रोशनी चलाने। इनका हिंदुत्व भी सबने देख लिया, ये है ही नहीं हिंदुत्व वाले, ये सिर्फ सत्ता वाले हैं। ये सत्ता के भक्त हैं, न राम भक्त हैं, न हिंदू भक्त हैं, न गंगा जल भक्त हैं, न गौ भक्त हैं, न राष्ट्र भक्त हैं, सिर्फ सत्ता के भक्त हैं। और सत्ता वो भी झूठ फरेब से कलई खुल चुकी है। कोई उम्मीद नहीं है कि कहीं भी बीजेपी को कोई सुनने को भी तैयार है, वोट तो देने की बात तो बहुत दूर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सियासत यूपी में भी गर्म है। इसकी असल वजह बीजेपी की ओर से यूपी मॉडल को तरजीह दिया जाना ही है। यूपी बीजेपी के नेताओं में इससे उत्साह है, लेकिन विपक्ष आक्रामक है। लेकिन सवाल इस बात का कि बीजेपी किस यूपी मॉडल की बात करना चाहती है। आखिर बीजेपी का यूपी मॉडल है क्या? क्या योगी सरकार के कामकाज को बीजेपी दूसरे राज्यों में मॉडल बनाकर पेश करना चाहती है, या फिर हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी का यूपी मॉडल है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पांच राज्यों में चुनाव जीतना है, लेकिन यूपी मॉडल की बात सामने आई है, और सवाल यही है कि यूपी मॉडल आखिर बीजेपी का क्या है? क्योंकि इससे पहले यूपी मॉडल की बात हुई नहीं। यूपी मॉडल किस तरीके से बीजेपी सरकार ने बनाया, योगी सरकार ने बनाया, उसका भी खाका इससे पहले कभी पेश नहीं हुआ। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर यह खाका है क्या, और क्या इस यूपी मॉडल से पांच राज्यों में जीत मिलेगी? कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जी हैं, प्रवक्ता यूपी बीजेपी, मुकेश सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता यूपी कांग्रेस, अमित जावेद जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रेम कांत तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत चर्चा में स्वागत है। समीर सिंह जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहते हैं, दर्शकों को आपके जरिए समझाना चाहेंगे। सर, बता दीजिए एक संक्षेप में, ये यूपी मॉडल आपका क्या है जिसे आप चुनावी राज्यों में लेकर जाने की तैयारी में? देखिए, यूपी मॉडल विकास है, सुरक्षा है, नौजवानों को रोजगार है, किसानों की सुविधा है, उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, और हम लगभग सब राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है इस तरह से काम हो रहा है, और बाकी राज्यों में भी हम इस मॉडल को लेकर चुनाव में जाएंगे। हम
भेदभाव नहीं करते, हम किसी को जाति और धर्म के नाम पर टारगेट नहीं करते। हमने ये विश्वास दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार में आएंगे तो 22 करोड़ की चिंता करेंगे, और हमने 22 करोड़ की चिंता किया। हम देश में सरकार में आए तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 125 करोड़ लोगों की बात कही थी, और उन 125 करोड़ लोगों की सुविधा की चिंता की, गरीबी की चिंता की, गरीबी मिटाने की चिंता की, गरीब लोगों की कठिनाइयों को दूर करने की। समीर जी, इसीलिए सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे, देश में हम नौकरियों पर आप लोगों ने पाबंदी लगा दी, जंगल राज को, आप किसानों की बिजली की बात कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में वोल्टेज इतना कम है कि उनकी मोटर चल नहीं पाती है, इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि ठीक है आपने सैद्धांतिक रूप से एक बड़ा मॉडल तैयार किया, लेकिन क्या जमीन पर वो मॉडल उतर पाया है आपका, जिस पर चले एमपी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार में आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। हमने धान की खरीद की, हमने गेहूं की खरीद की, और पुनः धान की खरीद 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य हमने किया। गन्ना किसानों को एक बड़ी रिलीफ दी हमने, 36,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का हमने भुगतान किया 2 सालों के अंदर। 5,000 करोड़ रुपए का सस्ते दर पर फैक्ट्रियों को लोन देने की बात कही हमने, और किसान उत्तर प्रदेश का बदहाल था उसको खुशहाल करने का काम हमारी सरकार ने किया। केंद्र की सरकार ने भी नीम कोटेड यूरिया हो, देश के अंदर बंद पड़े खाद कारखाने हो, उनको हमने चलाने का काम किया, जिसमें गोरखपुर का खाद कारखाना भी हमारी एनडीए सरकार की देन है। ऐसे बहुत सारे फैसले हमने लिए जो देश के अंदर एक मील का पत्थर साबित हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना लाई, ठीक है, बिजली सौभाग्य योजना लाया हमने गांव में गरीबों को बिजली देने के लिए। बरसों से आजादी के बाद जहां बिजली नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली पहुंचाई। लेकिन ये तो केंद्र सरकार की योजनाएं हो गई। अमित जामेल जी, इन्वेस्टर समिट जो बीजेपी का बड़े पैमाने पे मॉडल बताया जा रहा है, क्या ये यूपी मॉडल इतना सशक्त है आप लोगों को लगता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में फतह कर लेंगे इसके बिना पर? देखिए, आज यूपी मॉडल का नाम आज ही आया है। इससे पहले पूरे देश में ये गुजरात मॉडल की बात करते थे, लेकिन जब गुजरात मॉडल एक्सपोज हो गया, वहां से यूपी बिहार के मजदूरों को खदेड़ रही है वहां की सरकार, तब जाके ये गुजरात मॉडल को भूल के अब ये यूपी मॉडल डेवलप कर रहे हैं। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश 1.5 साल में जानता है कि मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट एक नाकाम मुख्यमंत्री है, इन्हें काम नहीं करना आता है। आप मुझे बताइए, आपने अभी खुद बोला कि नौकरियां नहीं है, अमित जी पहले आप संशोधित निकाली जा रही हैं, आप उसमें जो है सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, आदित्यनाथ जी शिक्षकों की नौकरियां बंद कर दी, उनका नाम थानेदार जो भरे गए, थानेदार जो भरे गए वो थानेदार की नौकरी नहीं दी, आप स्कूल में टीचर नहीं है, और आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस बात पर। 36,000 की बात की है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी इस बात पर। ऋण की बात आप किसी के नाम को तोड़ मरोड़ के नहीं प्रस्तुत कर सकते। अमित जी, आपको संस्कार नहीं पता है, लागू करने का दावा किया है, और संस्कार नहीं पता है कर दिया होता, आपके नेता समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को भी नहीं पता है, आप किसी के नाम को तोड़ मरोड़ के नहीं प्रस्तुत कर सकते। क्या कहा किसान, आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि आप किसी मुख्यमंत्री का नाम क्या लेना चाहिए? तो ये यूपी मॉडल, अमित जमई जी, अमित जमई जी, आप पहले संशोधित करो अपनी बात में, ठीक है? समीर जी, शायद अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास, आएंगे उनके पास, आपको ये बात कहने का अधिकार नहीं है। जो पेंशन है हमारे बुजुर्गों की, उसको ठीक है, तमाम मसले हैं। मुकेश सिंह चौहान जी, यूपी मॉडल के तौर पर जिस चीज की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, या तमाम कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, क्या ये यूपी मॉडल आपको दिखता है, ये सशक्त है, आप लोगों के लिए चुनौती बनेगा 5 राज्यों में? बीजेपी के अभी हमारे मित्र बता रहे थे जिस तरीके से कि यूपी मॉडल में माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा यह है कि ठोक दीजिए, मार देंगे, जैसे निपटना हो निपट लेंगे। अभी एक हाल ही में घटना लखनऊ में हुई विवेक तिवारी जी की, कि उनको पुलिस ने ही ठोक दिया। आप समझिए भाषा शैली पे कितना असर पड़ा, कि उस भाषा शैली का इम्प्लीमेंट पुलिस वाले करने लगे और आम जनमानस को ठोकने लगे।
मतलब मुख्यमंत्री अगर प्रदेश का है तो उसकी भाषा शैली बहुत ही नरम होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए लोगों में मैसेज जाए। नंबर दो, अभी किसानों की बात कर रहे थे, किसान को किस तरह से जिस दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस था और गांधी जी का, उसी दिन यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पे किस तरह किसानों को पीटा गया, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्हीं के जन्मदिन पे किसानों को कायदे से पिटाई की गई, ये यूपी मॉडल है। नंबर तीन, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नौकरियों कमी नहीं, लेकिन यहाँ पे योग्य शिक्षित नौजवान है ही नहीं। आप बताइए कि योग्य शिक्षित नौजवान नहीं है उत्तर प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ये उनका अपमान है। प्रदेश के तमाम करोड़ों नौजवानों का अपमान किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और जिस तरह से परीक्षा जिसमें रिजल्ट आया शिक्षा जो एग्जाम का था, उसमें 2 नंबर 6 नंबर 7 नंबर पाने वाले बच्चों को पास किया गया, 2 लोग जो बैठे नहीं उनको रिजल्ट में नाम आ गया, और जो 34 बच्चे गए थे हाईकोर्ट वो सारे बच्चे पास हो गए। और अब हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई इसकी जांच की जाए तो वहां कापियां जला दी गई तो अब कैसे जांच होगी? मुझे लगता है ये यूपी मॉडल प्रस्तुत करने जाएंगे। ठीक है, तमाम सवाल है प्रेमकांत तिवारी जी। जो परंपरागत मॉडल जो शब्द अचानक से आया है, आपको क्या लगता है क्यों अचानक से यूपी मॉडल की बात होने लगी? मतलब क्या यूपी मॉडल बना है अब तक जितने दिनों की योगी सरकार है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश को लोगों को मार के वहां से भगाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, उनका गृह राज्य है, उन्होंने कोई अपील नहीं की। ठीक है, मुकेश सिंह आते हैं, एक बार सुन लेते हैं। मॉडल की बात करते हैं प्रेमकांत तिवारी जी, ये अचानक से यूपी मॉडल की बात कहां से आ गई, जरूरत क्या पड़ी बीजेपी को? देखिए, पहली तो बात है, ये दोनों चीजें बड़ी आपने मिला के ये सवाल रखा है कि एक यूपी मॉडल और दूसरा योगी जी का स्टार प्रचारक होना। तो पहली बात तो हम ये करना चाहेंगे कि योगी को स्टार प्रचारक बनाने से भारतीय जनता पार्टी का क्या फायदा है जी? पहली बात तो एक ये है कि उनका नाम योगी, फिर आदित्यनाथ, उसके बाद में आप उनके वेशभूषा पर ले लीजिए, भगवा पहनते हैं और सर घुटा के रखते हैं, कुल मिलाकर के वो एक मठ के मठाधीश भी, महंत भी रहे और हैं भी। इसके अलावा उनकी एक छवि है कि ये साफ साफ देखने से ही ऐसा छवि नजर आती है कि ये हिंदू संत हैं, ये हिंदू महंत हैं, तो इस लिहाज से वो अट्रैक्ट करते हैं, उनमें एक ये अपील जाती है अपने आप में। और इसका उदाहरण आपको महाराष्ट्र के उपचुनाव में या कर्नाटक के चुनाव में, विधानसभा में, त्रिपुरा में उसका फायदा भी तुरंत तुरंत दिखाई पड़ा जी। नाथ संप्रदाय भी है उनका, नाथ संप्रदाय के मानने वाले भी हर प्रदेश में हैं। तो इस लिहाज से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और खासतौर से वो मुख्यमंत्री भी हैं उस समय उत्तर प्रदेश के, प्लस एक बात यह है, अब मैं आता हूं आपकी यूपी मॉडल की बात पर जी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें खासतौर से स्वच्छता हो गया, स्वास्थ्य हो गया, या पर्यटन का मामला हो गया, या उज्ज्वला और ये कुछ अभी भाई समीर सिंह बता भी रहे थे बिजली का मामला हो गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है जी, वहां पर कई राज्यों के बीच में जो अभी एक ये सर्वे हुआ कि कहां पर किस राज्य की क्या पोजीशन है, तो उसमें उत्तर प्रदेश को कई मामलों में, कई क्षेत्रों में कुछ पुरस्कार मिले, कहीं पर पहले नंबर पर है, कहीं पर दूसरे नंबर पर है, कहीं पर तीसरे नंबर पर है, जो पहले पोजीशन जो है वो पीछे रहा करती थी। तो ऐसी सूरत में एक बात हमको और ध्यान रखनी होगी कि योगी मंत्रिमंडल ने 19 मार्च 2017 में शपथ ग्रहण किया था और अब कुल मिलाकर के लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। तो 1.5 साल में ये भारतीय जनता पार्टी अपना दावा कर सकती है कि बहुत सी जगहों पर हमने अभी तक ये पोजीशन थी और हम अब यहां पहुंच गए हैं। तो इस लिहाज से एक यूपी मॉडल पेश करने का इनका जो तरीका होगा वो ये होगा जी। और जाहिर है कि वो इस वेशभूषा में रहते हैं जिसमें,
और उनके रहन सहन खान पान इन सब चीजों का एक ठीक है, मतलब वेशभूषा रहन सहन का असर पड़ता है और उसके अलावा और जाहिर कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर यूपी ने अच्छा काम किया है। लेकिन समीर सिंह जी, जब किसी राज्य को या किसी व्यवस्था को हम मॉडल बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि पायदान इतना ऊपर कर दिया गया कि उसको कोई छू भी ना पाए अगले कुछ वर्षों तक। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि यूपी टेट के ऑनलाइन फॉर्म भरने थे, सर खून के आंसू हो गए बच्चे, कितनी आफत हुई वो देखा आप लोगों ने, दो दो तीन तीन बार तारीखें आपको बढ़ानी पड़ी। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है उसको संभालने के नाम पर आपके एनकाउंटर बार बार सवालों के घेरे में है। नौकरी नहीं देने का ऐलान सरकार ने खर्च बचाने के नाम पर कर दिया है। तो कुल मिलाकर जिस तरफ इशारा तिवारी जी कर रहे थे कि क्या राह हिंदुत्व की है, बस कान पीछे से पकड़ रहे हैं मॉडल के नाम से। नहीं देखिए, दो चीजें हैं। उत्तर प्रदेश ने विकास किया है और मैं पहले भी कहा हूं और मेरा एक निवेदन जरूर है, आपकी प्रतिष्ठित चैनल पर बैठने के बाद हमको अपनी भाषा को संयमित रखना चाहिए किसी के नाम के बारे में। इस तरह की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बोलना चाहिए, नाम को खराब नहीं करना चाहिए। अगर मैं इनके नेता के नाम को खराब करूंगा तो इनकी मिर्ची लग जाएगी। मेरा इतना जरूर कहना है कि उत्तर प्रदेश 17 महीने पहले किस स्थिति में था और 17 महीने बाद किस स्थिति में है, आज इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। हम चाहते हैं स्वतंत्र डिबेट हो। हमने किसानों के क्षेत्र में जो काम किया, हमने नौजवानों के क्षेत्र में जो काम किया, हमने बिजली के क्षेत्र में काम किया, हमने सुरक्षा के क्षेत्र में काम किया। हाँ, ये जरूर है, अभी हमारे कांग्रेस के साथी पिछली बार अपने उदाहरण में ये कह रहे थे विवेक तिवारी की हत्या, हमने कभी उसको इनकाउंटर नहीं माना, ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना, एक दुर्घटना माना और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर फौरी कार्रवाई किया और मुकदमा दर्ज हुआ और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मेरा इतना जरूर कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी किसानों की बात करती है, 10 सालों तक UPA 1 UPA 2 में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया? सर उनका छोड़ दीजिए, आप किसानों के लिए नहीं मॉडल आप पेश कर रहे हैं, तो आप बताइए कि किसानों की आय कितनी बढ़ी, किसानों के कितने लिए युवाओं को आपने रोजगार दिया, क्राइम रेट आपका कितना घटा, आप दीजिए आज तो आपके आंकड़े देने का दिन है। हमने कहा है डेढ़ गुना करने के लिए, हम डेढ़ गुना कर रहे हैं। सर हो जाएगा सर, आप यूपी मॉडल बनाएंगे, अभी तो प्रक्रिया चल रही है, यूपी मॉडल कहां से बन गया? किसानों का हमने किया, हम 18 घंटे बिजली की बात कहे थे, हम बिजली दे रहे हैं, वोल्टेज नहीं मिल रहा है सर। किसानों के धान गेहूं नहीं खरीदे जाते थे, हमने धान गेहूं खरीदा। गन्ना किसानों की बात थी, हमने गन्ना किसानों का भुगतान किया। तीन तीन बंद चीनी मिलों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया। रामाला सुगर मिल की क्षमता हमने बढ़ाई, पश्चिम में 15 साल से किसान मांग कर रहे थे। मैं 50 उदाहरण गिना सकता हूं जो कृषि के क्षेत्र में काम किया, रोजगार के क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा काम किया। सारी भर्तियां रोजगार की हाई कोर्ट में लंबित थी, सारे आयोग भ्रष्टाचार की जड़ में थे, हमने उनसे निकाल के नौजवानों को रोजगार देने कहा मिला है सर। परीक्षा होती, पेपर पहले हमारी ही सरकार में पारदर्शी तरीके से रोजगार मिले। आपकी सरकार ने फैसला ले लिया है कि भर्ती होगी ही नहीं, खर्चा बचाना है। वाले ये उन्हीं के लोग बैठे हैं जो अब तो भर्ती बंद कर दी आपकी सरकार ने, रोजगार कहां से मिलेगा, कहां से बनेगा मॉडल? समाजवादी पार्टी की सरकारों में नियुक्त ये लोग है, रोजगार मिल रहा, बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा। जमई साहब, रोजगार मिल रहा है, विज्ञापन हो रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो भर्तियों के विज्ञापन तक पर रोक लगा था, रोजगार पर भर्तियों के विज्ञापन पर भी रोक था। हम जमई साहब, रोजगार मिल रहा है क्या, क्राइम रेट गिरा क्या? समीर सिंह जी, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इनका जो यूपी मॉडल है वो ये यूपी मॉडल है कि जो मेट्रो रेल हमने चलाई फीता काट दो, जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया जाओ और जहाज उतार के फीता काट दो, हमने जो गोरखपुर लेन बनाया सिक्स लेन जाओ फीता काट दो, जितने समाजवादी के समय में जो कार्यक्रम थे वही कार्यक्रम आज ये फीता पे फीता काट लेन बना दिया। एक नया प्रोग्राम बताओ, भी चीरा चुराया, एक नया प्रोग्राम बताओ जिसका फीता काटा हुआ राज्य संपत्ति तो के बंगले से भी चोरी करके ले गए, वो भी बता दो आप। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने अपराध बढ़ाया, थानों के अंदर लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, ये भी बता दो आप। हम आपका जो दंभ है ना, टोटी चोरी की बात भी बता दो ना, आपके नेता ने घर के बंगले को चोर होगा ना, और जो आपके मामा जी है जो भ्रष्टाचार है वो भी बता दो। मोदी
चौकसी, अनिल अंबानी, ठीक है आज यूपी मॉडल पर ही बात कर लेते हैं। मुकेश सिंह चौहान जी, जिस तरीके की पूरी यूपी की जमीनी हकीकत है, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या हालात ऐसे हैं कि यहाँ का मॉडल अगर वहां पेश किया जाए तो बीजेपी को लीड मिल सकता है? एक चुनौती है आप लोगों के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने इस सरकार को बना के अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। आज नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज चाहे SSC की परीक्षा हो, चाहे ऊर्जा विभाग की परीक्षा हो, चाहे नलकूप विभाग की परीक्षा हो, सारे पेपर लीक हो गए, कोई एग्जाम हुआ नहीं। एक एग्जाम जब हुआ तो उसमें भी रिजल्ट में घपला कर दिया गया। NRHM में भी रिजल्ट आया, उसमें भी घपला हुआ। और जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बलात्कार, हत्या जिस तरह से हो रही है, लगता है कि एक क्राइम का स्टेट हो गया। कौन सा मॉडल पेश करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? उनको स्टार प्रचारक बना के, भाजपा बना के उनको कौन सा मॉडल बना के पेश करना चाहती है, मैं ये जानना चाहता हूं। और जिस तरह से अभी समीर साहब गिना रहे थे कि किसान के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। गन्ना किसानों के आने के बाद इन्होंने कहा था 15 दिन में भुगतान कर देंगे। गन्ना किसान रोता रहा, धरना प्रदर्शन लगातार उन्होंने कैराना में उसको चुनाव मतलब बीजेपी को लगता है कि बता दिया स्टेट बन गया, लेकिन और विपक्ष से माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो यूपी की सियासत है या देश की सियासत है वो एक नए मॉडल में देखेगी। उस मॉडल को बनाने की तैयारी भी हो गई है, उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर बात करेंगे कि कैसे अब सियासत का मॉडल बनेगा और इसे इंस्टीट्यूट के जरिए बनाया जाएगा।